hello my dear students as you all know that i had given you an exercise on detecting the countable and uncountable nouns the na and uh, as i know that a lot of students tried their best to detect the nouns but they made certain mistakes when choosing some closely related countable and uncountable nouns कुछ कुछ जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स है वो बहुत एक दूसरे के क्लोज़ होते हैं पता ही नहीं चलता है कि कौन काउंटेबल होगा और कौन अनकाउंटेबल होगा इसी में आप लोगों ने बहुत सारा मिस्टेक किया हुआ है तो मैं ये शोर करना चाहता हूँ आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करोगे है ना तो इसको ज़रा सा अच्छे से हम देखते हैं नाउन को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कितने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो जनरली कॉमन नाउन होते हैं जनरली कॉमन नाउन होते हैं अच्छा जो भी कॉमन नाउन होते हैं जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम सिंगुलर बना सकते हैं क्या बना सकते हैं सिंगुलर फॉर्म में उनको बना सकते हैं अच्छा और उनका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर इसको जरा सा ध्यान से सुन लो ये बाइस वर्षा चलते हैं एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है अच्छा और इनमें एस और ई एस सफिक्स ऐड किया जा सकता है अब देखो जैसे भी मैंने बोला सफिक्स आपको सफ़िक्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला गया होगा क्योंकि पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने सफ़िक्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था तो मेरा मकसद यही था कि जब इसके बाद मैं सफिक्स और प्रिफिक्स की बात करूँ तो आपके दिमाग में ये आ, सटीक बैठ जाए कि सफिक्स और प्रिफिक्स होते क्या हैं तो उनका पूरा फंक्शन आपके दिमाग में होगा तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सफिक्स वर्ड सुनने के बाद है ना तो हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सफिक्सेस ऐड करके प्रुलर काउंटेबल नाउन बना सकते हैं अच्छा अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो बेसिकली हमारे जितने भी मटीरियल नाउन होते हैं और एबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं अच्छा इसमें क्या होता है ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होती हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होती हैं जब ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होती हैं तो इनका इनका पुलरल फॉर्म हम बना ही नहीं सकते हैं जब पुलुरल फॉर्म बना ही नहीं सकते हैं तो हम इसमें सफिक्स कोई ऐड करेंगे नहीं तो इसमें हम ए सी आई एस सफिक्स ऐड नहीं कर सकते हैं अच्छा ये रहा जो एक्सरसाइज मैंने दिया था आपको अंडरलाइन करने के लिए कि कौन सा इसमें काउंटेबल होगा और कौन सा अनकाउंटेबल होगा अच्छा सबसे पहला है स्टार सबसे पहला है स्टार तो स्टार क्या है स्टार क्या है इसको ज़रा सा हम ध्यान से देखते हैं तो जब मैं ये कहता हूँ कि कौन सा स्टार है जिसे भोर का तारा कहा जाता है कौन सा स्टार है जिसे रात का शाम का तारा कहा जाता है है ना या मैंने मैंने ये बोला कि उत्तरी ध्रुव पे जो चमकता है तारा उसका क्या नाम है सप्तर्षी तारा क्या है तो एक तारा एक स्टार कहने से किसी भी स्टार का आ, का पता चल जाता है स्टार के पूरे क्लास को उसके पूरे कैटेगरीज़ को डिफाइन कर देता है है ना तो स्टार को हम डिफ्रेंसीट कर सकते हैं स्टार को हम डिफ्रेंसीट कर सकते हैं इसीलिए जब हम स्टार को डिफ्रेंसीट कर सकते हैं और वन टू थ्री काउंट कर सकते हैं आपने देखा होगा आपने देखा होगा कि सप्तरसी तारा होता है एक सेवन स्टार्स का एक क्या होता है एक ग्रुप होता है आसमान में जब आप नाइट में देखोगे तो उसे आप ईजली काउंट कर पाओगे तो स्टार को हम क्या कर सकते हैं ईजिली काउंट कर सकते हैं है ना तो ये स्टार क्या है एक कॉमन नाउन है और इसीलिए क्या होगा काउंटेबल नाउन होगा ये स्टार अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा शुगर शुगर क्या है शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है कैसे शुगर क्या है सूगर हम जानते हैं कि इसको हम मटेरियल नाउन में पढ़ गया आए हैं किसमें मटेरियल नाउन में पढ़ गया आए हैं ये एक मटेरियल होता है ये पदार्थ होता है तो ये क्या होगा ये एक अनकाउंटेबल नाउन होगा अब आप दुकान में जाकर ये नहीं बोल सकते हो कि भाई साहब मुझे दो किलो शुगर्स दे दो या दो किलो तो ये दो किलो तो बोल सकते हो लेकिन शुगर्स नहीं बोल सकते हो या आप ये नहीं बोल सकते कि बत्तीस हज़ार छः सौ छत्तीस सुगर्स दे दो है ना आपके आ, फेसेस पे मुक्काज मार देगा दुकान वाला है ना ये सुन के अच्छा हेल्थ हेल्थ क्या है अनकाउंटेबल नाउन है अच्छा कैसे अनकाउंटेबल नाउन है ये एक एबस्ट्रिक्ट नाउन है पिछले क्लास में आपको पता होगा कि हेल्थ में ये हील को हील से क्या बनाया गया हील में हील में टी एच एड करके हील में टी एच सफिक्स करके हम क्या बनाए थे इसको एबस्ट्रिक्ट नाउन बनाए थे क्या बनाए थे एबस्ट्रिक नाउन बनाए थे तो इसमें सफिक्स लग गया और ये एबस्ट्रिक नाउन हो गया तो ये क्या हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया वैसे ही एक्सेप्टेंस वैसे ही एक्सेप्टेंस में ए एन सी एक सफिक्स लगा हुआ है और ये क्या बना रहा है एबस्ट्रिक्ट नाउन तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगा गया रुपी, रुपी क्या है काउंटेबल नाउन है हम रुपी को काउंट कर सकते हैं डॉलर डॉलर्स काउंटेबल नाउन वेल्थ अब देखो वेल्थ में टी एच सफिक्स ऐड हुआ है है ना तो ये अबस्ट्रैक्ट नाउन हो गया ये क्या हो गया अनकाउंटेबल नाउन लीटर लीटर को हम इजिली लीटर्स बना सकते हैं फाइव लीटर्स ऑफ पेट्रोल फाइव लीटर्स ऑफ डीजल सॉरी तो इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम इजिली काउंटेबल सॉरी इजली इजिली हम क्या बना सकते हैं प्लूरल बना सकते हैं तो ये हमारा लीटर काउंटेबल नाउन हो गया मनी अब देखो मनी में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मनी को काउंटेबल नाउन में रख कर ले चलें देखो मनी काउंटेबल नाउन नहीं होता पैसा और रुपी काउंटेबल नाउन होता है मनी काउंटेबल नाउन नहीं होता आपने कभी सुना है कि मेरे पास एक मनी है वन मनी है टू मनी है थ्री मनी है नहीं या हंड्रेड मनी है ऐसा नहीं सुना होगा आपने किसी आपने सुना होगा कि मेरे पास एक पैसे हैं दो पैसे हैं तीन पैसे हैं या आई हैव वन पैसेज टू पैसेज थ्री पैसे ये सुना होगा आपने या, या ये सुना होगा आई हैव वन रुपीज़ टू रुपीज़ आई हैव वन रुपी टू रुपीज़ थ्री रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ ये सुना होगा आपने मनी को मनीज़ कभी नहीं सुना होगा आपने तो मनी क्या होगा मनी एक अनकाउंटेबल होगा ना कि काउंटेबल नाउन पैसा को हम गिन सकते हैं वो पैसा होता है वो मनी नहीं होता है, है ना ओके लिक्विड मनी होता है मनी तो लिक्विड भी होता है तो लिक्विड मनी को आप कैसे काउंट करोगे है ना लिक्विड मनी एक इकोनॉमिक्स uh, का एक चैप्टर है ये uh, इतने uh, अंदर से डिटेल से हम लोग नहीं बात करेंगे ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा जो कि इकोनॉमिक्स के टीचर जानते हैं इसके अच्छे से मैंगो मैंगोज काउंटेबल नाउन पेट्रोल आप ये जाकर पेट्रोल पंप पे नहीं बोल सकते कि मुझे uh, दो लीटर्स पेट्रोल्स चाहिए है ना आप ये बोलते हो कभी जाकर कि मुझे दो लीटर्स पेट्रोल्स चाहिए तो ऐसा लगेगा कि सांप की तरह हिस्स साउंड आ रहा है तो पेट्रोल क्या होगा एक अनकाउंटेबल नाउन होगा और आप ये जान रहे हो कि क्या है एक मटेरियल नाउन है लिक्विड है जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन जैसे पेट्रोल क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन रिंग रिंग्स काउंटेबल नाउन ज्वेलरी ज्वेलरी क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा क्योंकि इसमें हमने सफिक्स ऐड किया है ई आर वाई और यह क्या है एक एबस्ट्रैक्ट नाउन है यह क्या है एबस्ट्रैक्ट नाउन भी बन जा रहा है और ज्वेलरी एक तरह से काउंटेबल नाउन में ये मटेरियल नाउन में भी आता है कार कार्स काउंटेबल scooter स्कूटर्स काउंटेबल noun vehicle vehicles countable काउंटेबल traffic uncountable ट्रैफिक अनकाउंटेबल noun अनकाउंटेबल ना होगा ट्रैफिक्स नहीं होता है है ना traffics नहीं होता है ट्रैफिक होता है ये क्या है अनकाउंटेबल नाउन पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन सीनरी देखो पेशेंस में भी सफिक्स ऐड हुआ है सीनरी इसमें भी सफिक्स ऐड हुआ है ये सारे क्या हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन poetry इसमें भी सफिक्स ऐड हुआ है अनकाउंटेबल noun book बुक बुक्स काउंटेबल knowledge नॉलेज सफिक्स ऐड हुआ है अनकाउंटेबल नाउन आई होप कि आपको अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जब भी आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पर एक्सरसाइज बनाओ तो सफिक्स और प्रिफिक्स सफिक्स को प्रिफिक्स तो नहीं है बट सफिक्स को बहुत ध्यान से देखो और एबस्ट्रिक्ट नाउन और मटीरियल नाउन पर ध्यान दो कि अगर कोई नाउन एबस्ट्रिक्ट नाउन है या मटीरियल नाउन है तो उसके चांसेज बहुत ज़्यादा नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट चांसेज होते हैं कि वो आपका क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन होगा अच्छा अब देखो मैंने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के बारे में बात किया है नाउन बेसिकली कितने होते हैं नाउन बेसिकली फाइव टाइप्स के होते हैं प्रॉपर नाउन वो तो अपना अलग होता है वो ख़ास होता है उसका तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल से कोई लेना देना नहीं अच्छा प्रॉपर नाउन उसके बाद हमने क्या बात किया कॉमन नाउन बच्चे चार प्रॉपर को हटाने के बाद बचे चार कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन और एबस्ट्रैक्ट नाउन तो हमने कॉमन नाउन को ये बोल दिया कि कॉमन नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं दो निकल गए और फिर दो हमने ले लिए कि मटेरियल नाउन और एबस्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गए मटेरियल नाउन और एबस्ट्रेट नाउन हो गए अनकाउंटेबल नाउन अब बचा एक हमारे पास कलेक्टिव नाउन अब भाई हमारे पास टेंशन ये था कि कलेक्टिव नाउन को हम कहाँ पर रखेंगे काउंटेबल नाउन में रखेंगे या अनकाउंटेबल नाउन में रखेंगे तो आपने तो ये आप तो आपको लग रहा होगा कि भाई हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि कलेक्टिव नाउन के बारे में भी सोचे कि इसको हम कैसे रखें कहाँ पे रखें काउंटेबल नाउन में या अनकाउंटेबल नाउन में अच्छा चलो इसे देखते हैं कलेक्टिव नाउन को जब हम क्लासिफाई uh, करते हैं थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है बट इसको समझते चलो कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन जो है इसको दो पार्ट में जब हम क्लासीफाई करते हैं तो एक होता है कॉम्पैक्ट एक होता है कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट कहने का मतलब होता है सेल्फ सफिशियंट इन मीनिंग सेल्फ सफिशियंट इन मीनिंग अगर कोई भी कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है और वो अगर कॉम्पैक्ट है तो वो सेल्फ़ सफिशियंट होगा मतलब सिर्फ उस नाउन का नाम रखने से ही उसके अर्थ का पता चल जाएगा उसका अर्थ पता चल जाएगा कंप्लीट सेंस आपको मिल जाएगा तो उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट मतलब सेल्फ सफिशियंट इन मीनिंग तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं कॉम्पैक्ट वाला काउंटेबल में चला जाता है और जो दूसरा है नॉन कम्पैक्ट नॉन कम्पैक्ट वो होता है वो क्या होता है नॉन नॉट सफिशेंट नॉट सेल्फ सफिशेंट इन मीनिंग कॉम्पैक्ट सेल्फ सफिशेंट इन मीनिंग नॉन कम्पैक्ट नॉट सेल्फ सफिशेंट इन मीनिंग जब ये सेल्फ सफिशेंट नहीं होता है तो ये कहाँ पे चला जाता है अनकाउंटेबल नाउन में चला जाता है अच्छा जब इसको नॉट जो नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउंस होते हैं उनको जब हम प्लूरल फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं एज या पार्टिटिव अब आप बोल रहे हो कि ये नाम सुना सुना सा लग रहा है है ना? ये तो थोड़ा सा आपको पहले ही आ चुका है ना आपके ज़िंदगी में धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना तो ये ज़िंदगी में आपके आ चुका है आपको याद होगा पिछले क्लासेस में मैंने पार्टिटिव और एडजंक्ट के बारे में बात किया था तो देखो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही हैं इसको कहते हैं लर्निंग क्या कहते हैं लर्निंग ये हम लोग सीख रहे हैं ये नहीं कि हम लोग रटने वाली काम कर रहे हैं आज तक मैंने एक भी रूल को रटने के लिए नहीं बोला आप लोगों को अगर बोला हो तो मुझे फ़ोन करके बताओ कि हाँ सर इस वीडियो में आपने बोला था इसको रट जाओ है ना अच्छा अब ये देखो कि जब हम नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउंस को जब हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो वहाँ हम यूज़ करते हैं एडजंक्ट और एडजंक्ट में हमने क्या यूज़ किया था एडंक्ट बनाने के लिए कंजंक्शन नहीं बिल्कुल नहीं कंजंक्शन नहीं हमने क्या यूज़ किया था प्रीपोजिशन और उसमें भी क्या प्रिपोजिशन ऑफ यूज़ किया था हमने क्या यूज़ किया था प्रिपजिशन ऑफ तो हम ऑफ लगाकर उसको प्लूरल फॉर्म में बना देते हैं ओके okay. अब ज़रा सा कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे इसको ज़रा सा ध्यान से देखो क्लास बेबी पैक टीम फैमिली आर्मी प्राइड अच्छा क्लास क्लास कहने से क्या पता चलता है क्लास कहने से ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स का ग्रुप स्टूडेंट्स का ग्रुप तो ये अपने आप में क्या है कॉम्पैक्ट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ये सुपर फ्लॉस हो जाएगा सुपर फ्लॉस हो जाएगा सुपर फ्लॉस मीन्स आवश्यकता से अधिक वर्ड्स का यूज़ करना आवश्यकता से अधिक मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स को यूज़ करना होता है सुपरफ्लॉस तो यहाँ पर अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहना बेवकूफ़ी होगी तो क्लास कहने से इसका पूरा सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग पता चल जाता है तो ये क्या हो जाएगा कॉम्पैक्ट तो क्लास को हम क्या कर सकते हैं प्लूरल बना सकते हैं क्लास को हम क्लासेस बना सकते हैं ओके बेबी बेबी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है बेबी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स तो बेबी कहने से ये इसका पूरा सेंस पता नहीं चलता है तो इसको जैसे ही अगर हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो इसको हम बेबीज नहीं बना सकते हैं इसको हम बेबीज़ नहीं बना सकते, हैं। इसको, हम नहीं बना सकते हैं। इसको हम बोलेंगे द बेबी ऑफ गर्ल्स क्या बनाएंगे इसका प्लूरल द बेबी ऑफ गर्ल्स अब देखो यहाँ पर ऑफ़ देखो यहाँ पे ऑफ़ यूज़ हुआ है ना इसको क्या बोलते हैं एजंक्ट बोलते हैं यहाँ पे एजंक्ट बनाया गया है द बेबी ऑफ गर्ल्स और एजेंट क्या था एजेंट यह था ना कि आपका सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट जिस सोर्स से निकल कर आता है आपका सब्जेक्ट जिस सोर्स जिस बड़े सोर्स से निकल कर आता है उसको क्या बोलते हो आप पार्टिटिव या एजेंट बोलते हो अच्छा तो बेबी को हम प्लुरल कैसे बनाएंगे द बेबी ऑफ गर्ल्स पैक पैक कहने से क्या पता चलता है पैक कहने से क्या पता चलता है पैक बहुत सारे चीजों के झुंड को कहा जाता है अ पैक ऑफ उल्फ अ पैक ऑफ उल्फ्स है ना अ पैक ऑफ कार्ड पैक मीन्स तो कार्ड भी होता है पैक मीन्स तो कार्ड भी होता है तो इसका असल मीन असल मीनिंग पता नहीं चल रहा है कि पैक कहने से ये ऑफ वल्फ़ को डिनोट कर रहा है या पैक ऑफ कार्ड्स को डिनोट कर रहा है, है ना तो यहाँ पर इस पैक को भी हम क्या करेंगे नॉन कम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन्स के जोन में रखेंगे और इसको क्या कहेंगे कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है वैसे ही टीम टीम क्या है टीम कहने से पता नहीं चलता है कि किस चीज़ का टीम है ना टीम ऑफ प्लेयर्स है टीम ऑफ राइटर्स है टीम ऑफ डॉक्टर्स है है ना टीम ऑफ नावलिस्ट है टीम ऑफ साइंटिस्ट है ये पता नहीं चलता है तो टीम क्या है खुद में एक नॉन कम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन के ग्रुप में अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में रखते हैं और टीम को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इसको लिखते हैं द टीम ऑफ प्लेयर्स क्या लिखते हैं टीम ऑफ़ प्लेयर्स और अ टीम ऑफ प्लेयर्स लिखते हैं ओके फैमिली फैमिली क्या है फैमिली अपने आप में एक कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होता है फैमिली कहने से पता चल जाता है कि हम फैमिली के मेंबर्स की बात कर रहे हैं द मेंबर्स ऑफ फैमिली ये बोलना ठीक नहीं होगा वैसे ही आर्मी आर्मी पता चल जाता है कि सेना के लोगों के ग्रुप को आर्मी कहा जाता है तो ये भी कहाँ चला जाएगा कॉम्पैक्ट में चला जाएगा और ये सारी चीज़ें फैमिली और आर्मी क्या हो जाएंगे काउंटेबल नाउन में चले जाएंगे प्राइड प्राइड कहा जाता है शेरों के झुंड को कहा जाता है शेरों के झुंड को कहा जाता है तो इसको जब हम प्लूरल uh, फॉर्म में बनाते हैं तो अजंक्ट यूज़ करना पड़ता है द प्राइड ऑफ लायंस द प्राइड ऑफ लायंस लिखना पड़ता है तो ये नॉन कंपैक्ट जोन में चला जाता है नॉन कम्पैक्ट लिस्ट में जाता है और अनकाउंटेबल नाउन uh, के लिस्ट में चला जाता है तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपको समझाना था और आपको बताना था तो आई होप कि ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा अगर सब कुछ समझ में आया है तो तो मुझे बताओ पर्सनली कि हाँ सर ये वीडियो समझ में आया और अ, मेरी मेहनत साकार हो गई है ना तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर क्या पढ़ेंगे नाउन जेंडर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जेंडर के साथ तब तक अपना ख्याल रखो अपने फैमिली का ख्याल रखो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर बाय बाय